मूवी स्टार्ट होती है और मूवी की सेटिंग हमें दिखाई जाती है। मूवी जो है ये इटली के एक शहर में चल रही है। हमारा मेन कैरेक्टर एक छोटा लड़का रिनेटो हमें दिखता है। इनकी कंट्री में वॉर का ऐलान हो चुका है पर आज उसे बाइसिकल मिली है तो बहुत खुश है। बाइसिकल लेकर ये बड़े बच्चों के पास चला जाता है। इन बड़े लड़कों का एक एक्सक्लूसिव गैंग है जिसने रेनेटो को भी शामिल होना है। इसी वजह से इसने साइकिल बाय की है क्योंकि इन सब के पास साइकिल है। रेनेटो जब साइकिल लेकर आता है तो इसके वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये बात ही कर रहे होते हैं तभी वहां से मलीना आती है। ये सब लड़के बैठ जाते हैं और मलीना को देखने लग जाते हैं। रेनेटो मलीना को पहली बार देखता है तभी उसे प्यार हो जाता है। मलीना एक बहुत ही ब्यूटीफुल औरत होती है और सब लोग इसके पीछे होते हैं। जब मलीना इनसे पास हो जाती है तो अलग कॉर्नर पर आ जाते हैं और फिर से उसे देखते हैं। ऐसा करते करते शहर तक वो पहुंचते हैं। मलीना इन सब के है एक टीचर की लड़की होती है। ये टीचर डेफ होता है तो मलीना को लेकर इनसे वो बहुत मजाक करते हैं। ये सब लड़के समुन्दर के पास बैठकर अपने आप को मेजर कर रहे होते हैं। इसमें से एक लड़का ब्रैग करता हुआ कहता है, ये लड़का कहता है कि मलीना ने मुझे एक बार सिगरेट लाने के लिए बोला था। जब ये वहां गया तो उसने अपना रोब नीचे गिरा दिया। मैंने उसे पूरा नेकेड देखा है। इसी तरीके की स्टोरीज सब लोग मलीना के बारे में बना रहे हैं तो फिर इमेजिन करता है कि वो भी मलीना के घर के सामने है और मलीना ने उसे सिगरेट लाने के लिए बुलवाया है। उसके फ्रेंड ने जो स्टोरी कही थी यही स्टोरी अपने माइंड में वो रिक्रिएट करता है। रेनेटो को लगता है कि वो बड़ा हो चुका है। हाफ पैंट्स पहनना उसे जरा गलत लगता है तो अपने फादर की पैंट लेता है और उसे अल्टर करवा कर लाता है। जब उसके फादर को पता चलता है तो वो बहुत ही चिढ़ जाते हैं, इसे कुत्ते जैसा मारते हैं। ये अपने फादर को कहता है कि मुझे शर्म आती है। उसके फादर और वो फिर डील बनाते हैं। उस वक्त इटली में मुसोलिनी का राज था। इसके फादर कहते हैं कि जिस दिन मुसोलिनी मर जाएगा उस दिन मैं तुम्हें पैंट दिलवाऊंगा। रेनेटो भी इसके लिए मान जाता है। रेनेटो रात में जाकर मलीना के घर में एक होल बनाकर देखता है कि उसके घर में चल क्या रहा है। मलीना अपने घर में अकेली होती है, उसका हस्बैंड वॉर में चला गया होता है। रेनेटो जब बार्बर शॉप में जाता है तो मलीना के बारे में सब कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि मलीना का कोई ना कोई तो होगा जो उसे हेल्प करता होगा। उसका हस्बैंड बाहर चला गया है तो उसका किसी के साथ अफेयर है। सिर्फ रूमर्स फैलाने का काम सब लोग करते हैं। मलीना बहुत अकेली होती है, अपने हस्बैंड का लेटर पढ़ती है, उसे बहुत बुरा लगता है। रेनेटो अब उस पर हमेशा स्पाई करने लग जाता है और सब कुछ देखता है। वो फिर से रात में होल से मलीना के घर में देखता है। मलीना म्यूजिक सुनकर डांस कर रही होती है। ये शहर में जाकर सिर्फ धुन से शॉपर को बता रहा होता है कि उसे ये गाना चाहिए। शॉपर बेचारा परेशान हो जाता है, उसे बोल के ले कहता है। रेनेटो को बोल याद आते हैं और ये सीडी वो बाय कर लेता है। रात में यही सीडी लगाकर वो सुनता है। इसके पास एक छोटी सी बुक होती है जिसमें न्यूड पेंटिंग्स होती है। इसमें भी वो मलीना को ही देखता है। मलीना को देखकर इमेजिन करता है कि वो उसके पास आ चुकी है, उसके रूम में ही है और अपने आप को प्लीज करने लग जाता है। समुंदर के पास आकर मलीना को एक लेटर लिखता है। उसमें लिख रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लाइफ में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। जो भी लोग कहते हैं यह सब कुछ गलत है, इसका कुछ भी करेज नहीं होता, और लेटर फेंक देता है। मलीना का अब वो पीछा करते करते शहर में भी आ जाता है। शहर में हम देखते हैं तो सब लोग मलीना को देख रहे होते हैं, जवान बूढ़े सब लोग। रेनेटो फिर मलीना का पीछा करते करते एक घर तक आ जाता है। इस घर में ऊपर की खिड़की से मलीना के लिए कोई चाबी फेंकता है और मलीना अंदर चली जाती है। जैसे लोग कहते ही है वैसे रेनेटो को लगता है कि इसका इस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। अब रेनेटो को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो थिएटर में बैठा हुआ दिखता है और थिएटर में जो फिल्म चलती है इसमें भी उसे अपना ही सीन दिखता है। इसमें वो मलीना को कन्फ्रंट कर रहा है कि क्यों उसने उसे दगा दिया। ये हार्ट ब्रोक हो जाता है। इसे और भी क्यूरियोसिटी है कि मलीना किसके साथ है तो फिर से उसका पीछा करता है। ये घर सेकंड फ्लोर पर होता है तो चढ़कर सेकंड फ्लोर पर आ जाता है। जब ये चढ़कर ऊपर आ जाता है तब ये मलीना के फादर का घर होता है। इसे फिर से अच्छा लगने लग जाता है। रेनेटो फिर से दिन रात सिर्फ मलीना को इमेजिन करता है, फैंटेसीज बनाता है और अपने आप को प्लीज करता रहता है। उसके बेड की आवाज आती है तो उसके फादर उसे बहुत डांटते हैं पर फिर भी मानने वाला नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेनेटो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। उसके फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं कि मलीना का हस्बैंड वॉर में शहीद हो गया। मलीना उसके फादर के घर पर होती है। यहाँ भी रेनेटो आ जाता है, उसे बाहर से ही देखता है पर वो इमेजिन करता है कि वो अंदर चला गया है। जाकर कह रहा है कि हमेशा मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, सिर्फ मुझे थोड़े से साल दो बड़ा होने। इसके बाद उसे किस कर रहा है, यह सब इमेजिन कर वहां से चला जाता है। अब रेनेटो जहां भी जाता है तो सब लोग मलीना के बारे में बात कर रहे होते हैं। मलीना का किसके साथ अफेयर है इसकी वो थ्योरीज बनाते हैं। रेनेटो को अच्छा नहीं लगता। ये लोग जब रेनेटो को दूध लाने के लिए कहते हैं तो इसमें वो थूक देता है। मलीना के खिलाफ कोई जाए ये उसे अच्छा नहीं लगता। रेनेटो फिर चल जाता है।
सच में वो डायरेक्टली गॉड से बात नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपनी एज का नहीं लगता। वो एक अपोस्टल से अपनी सब बात कहता है। वो कहता है कि हम एक डील करते हैं, मलीना को तुम सही से रखना और मैं हमेशा तुम्हारे लिए कैंडल चलाता रहूंगा। एक दिन मलीना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा होता है कि मलीना सब गांव के साथ सो रही है। मलीना के फादर को बहुत ही बुरा लगता है और वहां से वो चले जाते हैं। रनेतो का फ्रेंड मलीना के बारे में बुरी बात ही कर रहा होता है तो रनेतो और उसका फाइट हो जाता है। अब रनेतो फिर से मलीना के घर में झांक कर देख रहा होता है। रात में वो देखता है तो वहां एक आर्मी ऑफिसर आ चुका है। यहाँ रनेतो को पता चलता है कि इन दोनों में रिलेशनशिप है। जब ऑफिसर मलीना के घर से बाहर निकलता है तो उसे एक डॉक्टर देखता है। डॉक्टर उसके पास जाकर कहता है कि मलीना मेरी फियांसे है, तुम कैसे उसके घर से बाहर निकल सकते हो। इन दोनों में फाइट हो जाती है। तभी डॉक्टर की वाइफ भी वहां आ जाती है। डॉक्टर की वाइफ इसका पीछा ही कर रही थी क्योंकि इसे पता था कि इसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। यहाँ और भी लोग आ जाते हैं और एक बड़ा इशू बन जाता है। सबको लगता है कि मलीना ने डॉक्टर के साथ यानी एक मैरिड आदमी के साथ संबंध बनाया है, इसी वजह से इसे जेल भी हो सकती है। मलीना अब एक लीगल ट्रबल में है तो एक एडवोकेट के पास आती है। जब इसका कोर्ट चलता है तो डॉक्टर कहता है ये मेरी फियांसे है। मलीना से सवाल पूछे जाते हैं। मलीना कहती है ये डॉक्टर सिर्फ मेरे घर पर एक बार ही आया था और वो भी मेडिसिन लेने के लिए, हम दोनों में कुछ भी संबंध नहीं है। ये डॉक्टर वो कितना स्टड है यही दिखाने के लिए मलीना का और उसका रिलेशनशिप है ये बता रहा था। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मलीना से जब आर्मी ऑफिसर के बारे में पूछा जाता है तो कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसे जानने का हक किसी को भी नहीं है। स्कैंडल की वजह से उस आर्मी ऑफिसर की बदली हो जाती है। अब रात में हम देखते हैं कि मलीना के घर पर लॉयर आया हुआ है। ये उसे टच करने की कोशिश करता है तो मलीना उसे पैसे दे देती है। वो कहती है कि इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। लॉयर कहता है कि मेरी फीस तो इससे बहुत ही ज्यादा है। वो मलीना को जकड़ लेता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ये सब रनेतो तो देख रहा होता है। मलीना भी कुछ कर नहीं पाती। अब थोड़ा टाइम गुजर जाता है और रनेतो को बहुत ही डिप्रेसिंग लगता है। इस डॉक्टर को सब लोग लूजर समझते हैं। कोई भी लड़की इसके पास नहीं जाती क्योंकि वो स्टिंग करता है। ये मिडिल एज है फिर भी अपनी मदर के साथ ही रहता है। रनेतो उस दिन के बाद मलीना के घर पर नजर रखने के लिए नहीं गया है। मलीना अब इस लॉयर से शादी करने वाली है। रनेतो को यह सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और मलीना को लेटर लिखता है कि उसके साथ तुम कैसे पूरी जिंदगी बिता सकती हो। उसकी टीचर उसके पास आती है और यही सवाल वो अपनी टीचर से भी पूछ लेता है। उसे लगता है कि वो मलीना ही है। ये यहाँ बहुत मार खाता है। रनेतो अब डॉक्टर पर नजर रख रहा है। डॉक्टर जब अपनी मदर को कहता है कि वो मलीना से शादी करने वाला है तो उसकी मदर उसे बहुत मारती है। सबने अफवाह बनाई है कि मलीना सब लोगों के साथ सोती है, इसी वजह से उसकी मदर उसे बहुत मारती है। अब मूवी में मुसोलिनी मर चुका है तो रनेतो नई पैंट मिल जाती है। मलीना लॉयर से शादी नहीं करना चाहती तो उसे वो मना कर देती है। इसके बाद मलीना की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है। मलीना को उसके हस्बैंड की भी पेंशन अब मिल नहीं रही तो उसके खाने पीने का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उसकी बहुत बदनामी हो गई है तो अगर उसके पास पैसे भी होते हैं तब भी उसे कोई सब्जियां वगैरह नहीं देता। मलीना एक दूसरे आदमी से मिलती है और उससे वो ब्रेड लेती है। इसके बदले में ये भी इसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके शहर के ऊपर से प्लेन गुजरते हैं और बहुत बड़े बॉम्ब्स इन पर डाल देते हैं। इसमें मलीना के फादर मर जाते हैं। इस फ्यूनरल पर सब लोग उसे कहते हैं कि उसका सहारा बन सकते हैं पर इन सब को सिर्फ इसके साथ इंटीमेट ही होना होता है। रात में मलीना के पास खाना देने के लिए एक आदमी आता है। ये फिर से उस पर झपक पड़ता है। इस बार मलीना रेजिस्ट नहीं करती। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि मलीना ने पूरा मेकओवर कर लिया है। मलीना पैसे कमा सके इसलिए प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती है। ये सब देखकर रनेतो को बहुत ही बुरा लगता है। ये डिप्रेस्ड हो जाता है, कुछ भी खाना पीना नहीं कर रहा होता। सबको लगता है कि भूत ने इसे पछाड़ लिया है। इस पर सब ट्रीटमेंट होती है, चर्च में भी इसे लेकर जाया जाता है पर ये सब कुछ काम नहीं करता। रनेतो के फादर समझ जाते हैं कि इसकी बीमारी अलग ही है। इसे डायरेक्टली वो रेड लाइट एरिया में एक प्रोस्टिट्यूट के पास लेकर आते हैं। जब प्रोस्टिट्यूट रनेता के साथ होती है तब इसे लगता है कि ये मलीना ही है। वो मलीना को ही इमेजिन करता है। अब थोड़े दिन गुजर जाते हैं। इटली वॉर में जीत चुकी है और वहां जश्न मनाया जा रहा है। मलीना प्रोस्टिट्यूशन करने लग गई है तो गांव की सब औरतें अब उस पर बहुत ही चिड़ी हुई है। अब सब वाइफ डिसाइड करती है कि वो मलीना को शहर से बाहर निकाल देगी। उसे बहुत मारते हैं। मलीना भी वहां से निकल जाती है। रनेतो मलीना को जाते हुए देखता है। थोड़े दिनों बाद मलीना का हस्बैंड गांव में आ जाता है। ये मरा नहीं था, इसका हार्ट टूट गया था और सबको लगा था कि ये मर चुका है। ये गांव में आता है पर इससे कोई बात नहीं कर रहा था। जब अपने घर पर पहुंचता है तो वह इमिग्रेंट्स रह रहे होते हैं। ये फिर आर्मी के ऑफिस में आ जाता है। यहाँ उसे बताया जाता है कि मलीना प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। इसे बहुत ही दुख होता है। ये नीचे आकर अपने कुछ फ्रेंड से बात करता है, मलीना के बारे में पूछता है।
ये सब कहते हैं कि किसी रेड लाइट एरिया में होगी, इसकी इंसल्ट करते हैं, हस्बैंड और उनकी फाइट हो जाती है, पर हस्बैंड ही गिर जाता है, उसका हाथ टूटा हुआ है तो उठ नहीं सकता। रेने तो भी उसका पीछा करते करते ये सब देख रहा होता है तो उसे वो सहारा देता है। रात में हस्बैंड अपने घर पर होता है तो रेने तो चुपके से जाकर उसे चिट्ठी देख कर आता है। पास वो भाग जाता है। इस चिट्ठी में लिखा होता है कि तुम्हें जो भी सब लोग कह रहे हैं ये सब कुछ गलत है, सब बुरी चीजें लोग मलीना के बारे में कहते हैं, पर मुझे पता है कि हमेशा तुमसे ही प्यार करती थी। उसने जो सब चीजें की उसने सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए की। रनेतो को पता है कि मलीना कहाँ गई है तो उसकी लोकेशन वो बता देता है। हस्बैंड भी मलीना को लेने के लिए चला जाता है। थोड़े दिनों बाद मलीना और उसका हस्बैंड गाँव में वापस आ जाते हैं। सब लोग इन्हें देखने लग जाते हैं पर इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट दिन मलीना सब्जी लेने के लिए आती है, यहाँ सब लोग बात कर रहे होते हैं। फिर से वापस आना ये बहुत करेजियस था। मलीना को कुछ लोग सिंपथाइज करने लग जाते हैं, उसने इतना सब कुछ झेला है तो उन्हें बुरा लगता है। मलीना का हस्बैंड अब उसके साथ है, उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, इसी वजह से उसे फिर से अब सब लोग रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। मलीना घर वापस जा रही होती है तब उसकी सब्जियां नीचे गिर जाती है। रनी तो उसके पास जाता है और ये सब उठाने में उसे मदद करता है। जाते जाते उसे कहता है कि अब तुम्हारी लाइफ के लिए गुड लक। मलीना भी स्माइल देती है और रनी तो वहां से चला जाता है। रनी तो कहता है कि अब मैं वहां से भाग गया, मेरी इनोसेंस से, मेरी पुरानी लाइफ से मैं भागता ही चला गया। उसके बाद मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ रहा हूँ, वो हमेशा मुझसे पूछती थी क्या तुम मुझे याद रखोगे, पर हमेशा सिर्फ मैंने मलीना को ही याद रखा है। यही मूवी एंड हो जाती है। अगर हम इस मूवी में देखें तो मलीना का हस्बैंड चला गया तो सोसाइटी सब उसके खिलाफ होगी, उसके पीछे रूमर्स बना लग गए, वो एक औरत है तो सिर्फ उसे ऑब्जेक्टिफाई करने लग गए। मलीना उनकी सेक्सुअल डिजायर्स कम्प्लीट करने का सिर्फ एक जरिया था। रनी तो भी मलीना से अट्रैक्टेड था और फर्स्टली उसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहा था, पर वो जब मलीना को दिन रात देखने लग गया तो उसे पता चला कि मलीना के लाइफ में चल क्या रहा है, वो क्या कर रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके हालात कैसे हैं और ये उसे कैसे शेप कर रहे हैं, ये सब वो देखने लग गया। उसे सोसाइटी पर गुस्सा आने लग गया। किसी की भी लाइफ में क्या चल रहा है ये कभी हम जान नहीं सकते, उसके बारे में रूमर करना कितना गलत है ये मूवी हमें बताती है। मलीना को सब लोग जो समझते थे बाद में मलीना वही बन गई। उसके बाद भी सब लोगों ने उसे मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया। मैं तो समझ गया था कि सचमुच में अगर मलीना से प्यार करता है तो मलीना को उसे जाने देना चाहिए। इसीलिए मलीना का हस्बैंड वापस आया तो मलीना के बारे में सब कुछ सच उसने उसे बता दिया। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब के लिए थैंक यू।